और आगे बढ़ते हुए बात अब इंदौर शहर की करते हैं और बात करते हैं खेल जगत की। दरअसल इंदौर शहर के होलकर स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए सबसे महंगा टिकट 5,947 रुपए का होगा। 14 जनवरी को होने वाले मुकाबले के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन ने टिकटों की कीमत जारी की है। मैच का सबसे सस्ता टिकट 743 रुपए का होगा। 30 दिसंबर से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। इंदौर में पिछला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 अक्टूबर 2022 को खेला गया था। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ संवाददाता पीयूष पारे इस वक्त इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, इंदौर में जब मैच होता है तो इंदौर वासियों का एक्साइटमेंट लेवल एक अलग ही देखने को मिलता है, लेकिन जब बात टिकटों की होती है और जब उसके प्राइस रेट सुनते हैं तो जरूर निराशा हाथ लगती है क्रिकेट फैंस को। लेकिन जरा जानकारी दीजिए कि इतने हाई प्राइस क्यों टिकटों के रखे गए हैं और क्या कुछ जानकारी इसे लेकर फिलहाल आपके पास? देखिए जय, साल की शुरुआत के साथ ही इंदौर में एक बार फिर से क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा। इंदौर में कि जो होलकर स्टेडियम है वहां पर भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये T20 मुकाबला 14 जनवरी को होना है, लेकिन कल से इसके लिए सीधे तौर पर जो ऑनलाइन टिकट की बिक्री है वो शुरू कर दी जाएगी। और जैसा आपने बताया कि 5,000 से ऊपर यहाँ पर टिकटों के जो रेट रखे गए हैं, और दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो 700 रुपए का जो टिकट है, 743 रुपए का, वो कम यहाँ पर सबसे कम प्राइस का है। लेकिन इसको लेकर जो MPCA यानी कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, उनका कहना है कि जिस तरीके से जो गाइडलाइन BCCI की तय की गई है उन्हीं के मुताबिक साफ तौर पर कहने के यहाँ पर ये जो टिकट की दरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं होलकर स्टेडियम के अंदर जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फंड जुटाने की चुनौती रहती है, उसी के लिहाज से कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि जो टिकट की रेट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की गई है। लेकिन कल से ऑनलाइन बिक्री शुरू हो जाएगी, जो यहाँ पर वेबसाइट जारी की गई है साफ तौर पर, उसी के जो वेबसाइट के माध्यम से ही जो क्रिकेट फैंस है वो टिकट बुक करा सकेंगे। लेकिन रोमांचक मैच का इंतजार है 14 जनवरी को, जब दोनों टीमें होंगी और टीम इंडिया अफगानिस्तान से भिड़ेगी तो एक बहुत अच्छा मैच यहां पर देखने को मिलेगा, इस बात की उम्मीदें भी की जा रही है। शुक्रिया आपका पीयूष, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।